हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, आप देख रहे हैं अमेजिंग सीक्रेट राज धर्म संस्कृति एवं ज्योतिष संबंधित चैनल। और आज हम महाशिवरात्रि महापर्व पर विशेष कवरेज लेकर आए हैं। महाशिवरात्रि महापर्व पर बुद्ध का गोचर और शिव योग बनेंगे सबके बिगड़े कार्य। शिव की सर्वप्रिय रात्रि जिसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, वह इस वर्ष 11 मार्च को मनाई जाएगी। धार्मिक दृष्टिकोण से यह महापर्व समस्त प्रकार की ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। पुराणों में वर्णन आया है कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि व्रत करने का विधान है। इस वर्ष की महाशिवरात्रि का महापर्व कई संयोग से युक्त रहने वाली है। वर्ष 2021 में 11 मार्च को दिन में 2:40 से चतुर्दशी तिथि लगेगी, जो मध्यरात्रि को भी व्याप्त रहेगी और 12 तारीख को दिन के 3:03 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए 12 तारीख को उदयकालीन चतुर्दशी तिथि होने पर भी 11 मार्च को ही महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। शिव योग के कारण मिलेगी सभी कार्यों में सफलता। महाशिवरात्रि के दौरान प्रातः 9:23 तक शिव योग रहने से सभी प्रकार के नवीन कार्यों में सिद्धि मिलेगी। तदुपरांत सिद्ध योग का आरंभ हो जाएगा, जो अगले दिन अर्थात 12 मार्च की प्रातः 8:28 तक व्याप्त रहेगी। महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त चतुर्दशी तिथि आरंभ 11 मार्च 2:40 पर, चतुर्दशी तिथि समाप्ति काल 12 मार्च 3:03 पर, पूजा का निश्चित काल 11 मार्च मध्यरात्रि के बाद 12:24 से 1:12 तक, शिव योग 11 मार्च सुबह 9:23 तक, सिद्ध योग 9:24 से अगले दिन 8:24 तक, धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 8:44 तक, तदुपरांत शतविशा नक्षत्र, पंचक आरंभ 11 मार्च सुबह 9:20 से। महाशिवरात्रि पर पूजा का समय गृहस्थ और साधकों के लिए। महाशिवरात्रि महापर्व के पावन अवसर पर तंत्र मंत्र साधना तांत्रिक पूजा रुद्राभिषेक करने के लिए 12:25 से 1:12 तक का समय सर्वश्रेष्ठ व सिद्धि कारक रहेगा। सामान्य गृहस्थ को शुभ और मनोकामना पूर्ति के लिए सुबह और संध्या काल में शिव की आराधना करनी चाहिए। 2:40 से चतुर्दशी लग जाने से दोपहर बाद शिव का पूजन विशेष तौर पर फलदायक रहेगा। महाशिवरात्रि को बुद्ध का गोचर कैसा रहेगा और 12 राशियों पर इसका कैसा प्रभाव रहेगा? महाशिवरात्रि के दिन बुद्ध का यह गोचर कार्यों की सिद्धि दिलाने वाला माना जा रहा है। बुद्ध 31 मार्च तक कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। बुध ग्रह का यह गोचर इन 5 राशियों के जातकों के लिए विशेष तौर पर शुभ कारक रहने वाला है। बात करते हैं बुध का राशि परिवर्तन किस राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। सर्वप्रथम मेष राशि। बुध ग्रह का गोचर मेष राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी दिलाने वाला रहेगा। नई नई यात्राओं के योग बनेंगे। इसी संदर्भ में बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए बुध का गोचर कैरियर में सफलता और वृद्धि के योग दिलाएगा। इस दौरान किया गया आर्थिक निवेश वृषभ राशि के लिए लाभकारक रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। बात करते हैं मिथुन राशि की। बुध का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से शुभ कारक रहेगा। लंबी तीर्थ यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। बात करते हैं कर्क राशि की।
बुद्ध का गोचर कर्क राशि वालों के लिए अशुभता लेकर आया। इसका सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ने जा रहा है, अतः खान पान के प्रति सतर्कता बरतें। बात करते हैं सिंह राशि की। इस राशि के जातकों के लिए बुद्ध का गोचर आय में वृद्धि के योग दिलाने वाला रहेगा। मित्र वर्ग में बिजनेस से संबंधित साझेदारी फलदायक रहेगी, साथ ही व्यापार का विस्तार भी होगा। इसी संदर्भ में बात करते हैं कन्या राशि की। इस राशि वालों के लिए यह समय घरेलू उलझने खड़ी करने वाला होगा। इस दौरान जीवन साथी के बीच की दूरी बढ़ सकती है। इस दौरान आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। यहाँ बुद्ध का गोचर उच्च पद के योग दिलाएगा। बात करते हैं तुला राशि की। यह गोचर आपके लिए सबसे अधिक लाभकारक रहेगा। आय में विशेष वृद्धि के योग बनेंगे। सेहत में थोड़ा थोड़ा सुधार होता रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। इस राशि के जातकों को संपत्ति से संबंधित लाभ होने वाले हैं। परिवार में खुशियां रहेगी। आर्थिक रूप से बुद्ध का यह गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाभकारक रहने वाला है। इसी संदर्भ में बात करते हैं धनुराशि की। इस राशि के जातकों की आय में वृद्धि के योग बनेंगे। धन की विशेष प्राप्ति हो सकती है। इस समय आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। बात करते हैं मकर राशि की। इस दौरान भाग्योदय होने के योग बनेंगे। अपनी बुद्धिमता से सबको प्रभावित करेंगे। हालांकि ध्यान रखें कि तनाव आप पर हावी ना हो पाए। बात करते हैं कुंभ राशि की। इस राशि के जातकों के लिए यह समय शुभ कार्य करेगा। दूर के दोस्तों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। खर्चों पर काबू बनाए रखें। इसी संदर्भ में अंत में बात करते हैं मीन राशि की। कोई पुराने मुकदमे या मुद्दे तनाव के कारण बन सकते हैं। परिवार में कोई धार्मिक कार्यक्रम होने के योग बनेंगे। जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, ये थी महाशिवरात्रि महापर्व 2023।